अच्छा सुनील साहब, साल 2023 इख्तिताम पजीर हुआ, कहाँ हम 53,000 से आगे नहीं बढ़ रहे थे। स्टॉक मार्केट फंसी हुई थी पिछले 6-7 सालों से, और इस साल जरा जरा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मार्केट ने गेन दिखाया है। 67,000 का हाई, फिर उसके बाद क्लोजिंग 60,000 से करीब करीब ऊपर ऊपर, और फिर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, और 53% कहते हैं कि भाई रिटर्न पूरी मार्केट ने दिया है इस साल। तो अब अगला साल 2024 किस तरीके का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्या टॉपिक्स हो सकते हैं? पिछले साल आपने दिसंबर जनवरी के अंदर ही बताया था टॉपिक्स फॉर 2023। तो 2024 के लिए क्या टॉपिक्स आपकी लिस्ट में इस वक्त मौजूद है? 2023 के अंदर जब मैं 2023 के लिए जब मैंने वीडियो बनाया था ना टॉपिक्स, तो उसके नीचे बहुत सारी गालियाँ आई थी कि अपनी कमीशन के चक्कर में क्यों लोगों को तबाह कर रहे हो। बहरहाल अब तो ये आ रहा है 53%। जी, 53% भी लोगों को याद रखना चाहिए, ऑन एन एवरेज जो होता है ना वो 53% होता है। ऐसा बताया आपने कोई पैनी स्टॉक्स ले लिए या गलत स्टॉक्स ले लिए, बताया आपको 3% बचाए और आप बोल रहे 53% वाला है कौन? तो ऑन एन एवरेज कहा जाता है कि जो अच्छे स्टॉक्स थे जो चले, बैंक्स, फर्टिलाइजर्स, इस तरह के, तो उसमें सबकी एवरेज मिला के। देखो स्टॉक्स का जो तजिया लगाने से पहले मैं एक बात बता दूं, क्योंकि हम लोग इस वक्त ओवर द ईयर्स बड़े एक्सपीरियंस के बाद जब हम काम करते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं पिछले दो साल से, और हम ये समझते हैं कि अगर क्लाइंट जिंदा रहेगा और वो कमाएगा तो ही हम कमा सकते हैं एज ब्रोकर और एडवाइज़र। तो इसलिए हमने अपने काम को कंप्लीट शरिया कंप्लाइंट कर लिया है। तो ये तमाम स्क्रिप्ट मैं KMI ऑल में से बता रहा हूँ, जो हमारे यहाँ KMI ऑल है उसमें से बता रहा हूँ, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे यार फलां आइटम छोड़ दी। और उसके अंदर हम तो जो अकाउंट, मतलब जो क्लाइंट वगैरह है आपके पास, वो भी तमाम सिर्फ शरिया कंप्लाइंट में काम करते हैं, नो फ्यूचर नो लेवरेज। अभी तक तो हमारा 75% पिछला काफ़ी अरसा से करते हुए आ रहे हैं। सही है, तो 75% हमने साफ कर दिया है हम, क्यों किसी किस्म का फ्यूचर्स अवेलेबल नहीं दे नहीं रहे लोगों को, MFS, MTS, इस तरह की जो सहूलियात होती हैं जो शरिया कंपाउंड के खिलाफ है वो नहीं दे रहे हैं। और दूसरा कि पेनी स्टॉक्स वगैरह में हम काम कराते नहीं, अनटिल एंड अनलेस के उसके अंदर फंडामेंटल चेंज या कोई ओवरनाइट स्टोरी ऐसी ना आ गई हो, अदरवाइज प्योर फंडामेंटल और शरिया कंप्लाइंट स्टॉक जिसके अंदर तमाम पोर्टफोलियो हैंडलिंग मैनेजमेंट जो भी है वो शरिया कंप्लाइंट से रिलेटेड। जो लोग शरिया कंप्लाइंट में मार्केट में काम करते हैं, अगर वो आपके पास शिफ्ट होना चाहें तो हो सकते हैं, आसानी करते हैं। हमारे पास लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आएंगे भी, और हमारी रिक्वेस्ट भी होगी वो लोग आएँ जो शरिया कंप्लाइंट में काम करना चाहते हैं। लेकिन जो नॉन शरिया में भी काम करते हैं उसको मना नहीं है, लेकिन फर्ज सिर्फ ये होगा कि वो डिलीवरी बेस्ड काम करेंगे, हम फ्यूचर वगैरह नहीं करेंगे। और हम किसी किस्म की रिकमेंडेशन या कोई भी ओपिनियन अपना नॉन शरिया कंप्लाइंट जो कंपनीज हैं उन पर नहीं देते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं दोबारा कि KMI ऑल से मैंने ये चीज़ आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास एक शॉर्ट लिस्ट हुई हुई है, तकरीबन 258 स्क्रिप्ट के अंदर हैं एज ऑफ 29 दिसंबर, आज की बात कर रहा हूं। और इसके अंदर से जो हम बताएंगे वो टॉपिक्स बताएंगे आपको। सबसे पहले हमारा पास आता है फर्टिलाइजर्स, इस तरह तो हर सेक्टर में काफ़ी स्क्रिप्ट होते हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम, पर हम अपने टॉपिक्स बता रहे हैं जी। फर्टिलाइजर सेक्टर में जो 2024 के लिए है वो फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड और एंग्रो कॉरपोरेशन, ये फर्टिलाइजर सेक्टर में मुझे लगता है कि इनमें अच्छा ग्रोथ और पोटेंशियल दोनों तरफ देखा जा सकता है, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी और कैपिटल गेन के हिसाब से भी, मतलब प्राइस के अंदर भी अप्रिसिएशन आ सकता है। और दोनों को मैं इसी तरह कंसिडर करता हूँ स्क्रिप्ट को, कि उसके अंदर पीछे कुछ ना कुछ वजह मौजूद हो, पीछे रिजल्ट हिस्टोरिकल डेटा हो जिसमें डिविडेंड वगैरह की उम्मीद हो आगे जाके, और करंट सिनारियों में उनके जो टॉप लाइन है सेल्स वगैरह अच्छी हो। तो रिफाइनरीज के अंदर में हमारी टॉपिक्स होगी अटक रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी। इसके बाद केबल एंड इलेक्ट्रिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिक के अंदर पाक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वक्त तकरीबन जब हम बात कर रहे हैं तो 20-21 रुपये का रेट है, उसको हम फ्यूचर में अच्छा देख रहे हैं कैपिटल गेन के हिसाब से। बैंक्स के अंदर ओनली वन एंड ओनली मिजान बैंक लिमिटेड। फिर इसके बाद जो कुछ सेक्टर ऐसे आते हैं जिसके अंदर काम ज़्यादा नहीं होता, जैसे कि रियल इस्टेट है, उसमें DCR है, तो DCR एक डिफेंसिव स्टॉक है, कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक्स हैं ना हम उनकी ही बात करेंगे। इसके बाद आता है एक्सप्लोरेशन सेक्टर, जिसके अंदर हमारे जो टॉपिक्स हैं वो मारी और OGDC, मारी पेट्रोलियम और ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। इसके बाद है लेदर के अंदर हम लोगों को रिकमेंड करेंगे कि बाइंग ऑन डिप्स सर्विस ग्लोबल फुटवेयर, उसको चेक करें। प्रॉपर्टीज़ के अंदर TPL प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है इन फ्यूचर। और ट्रांसपोर्ट के अंदर दोनों स्टॉक्स, एक PNSE पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, वो बिल्कुल पैनी है, और एक PNSE जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, तो दोनों को अपनी वॉच लिस्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए और ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है पेपर सेक्टर आता है पेपर एंड बोर्ड। तो दो स्टॉक इसके अंदर जो है मैं रिकमेंड करूँगा लोगों को, या मैं ये कहूँगा कि उसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें या उस पर इन्वेस्टमेंट या अपनी स्टडी करें।
एक तो है चिराग पैकेजिंग CPPL चिराग ग्रुप का, दूसरा है सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड। तो सुनील भाई ये इसमें सवाल मेरा ये, काफी सेक्टर अभी तक आपने बता दिए, आपने कहा वॉच लिस्ट वगैरह में रखे, लेकिन अब इसका कैसे पता चलेगा कि कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, कब खरीदना है, कब बेचना है? जैसे आपने बताया कि बाइंग ऑन डिप्स SGF आप करें, लेकिन डिप कौन सी है, कहाँ है, वो कैसे पता चलेगा? अच्छा, एक तो ये वीडियो देखने के बाद लोग चाहें तो जो जितने स्टॉक्स हमने दिए उसको शॉर्ट लिस्ट कर लें, उनके लिए आसानी हो जाएगी, तो बहुत सारे स्टॉक्स में इंशाल्लाह देखना नहीं पड़ेगा। और दूसरा देखें, सीखने के लिए, समझने के लिए कि हमने किस तरह निकालते हैं, लेवल्स किस तरह निकाले जाते हैं, ये चैनल किस तरह ड्रॉ करते हैं, तो हमारी तमाम जो सर्विसेज हैं जिसके अंदर हमारे प्रीमियम ग्रुप्स हैं, चाहे हमारा अपना व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे हमारे डॉक्टर मसूद राशिद साहब का ग्रुप हो, चाहे हमारे बेसिक ट्रेनिंग कोर्सेज हों, चाहे हमारे एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्सेज हों, उसके लिए 0334-297-6747 0334-297-6747 मुफीज अजीज साहब के साथ रब्ता करेंगे, तो तमाम वो पेमेंट वगैरह बताएंगे आपको और ग्रुप्स में और ट्रेनिंग्स वगैरह में इनरोल कर देंगे। टेक्निकल की तमाम ट्रेनिंग आपका, तमाम टेक्निकल की, बेसिक्स भी, जिसको कुछ भी नहीं आता हो सही है, वो बेसिक्स की ट्रेनिंग ले, कुछ भी नहीं आता हो स्टॉक के बारे में, वो बेसिक्स की ट्रेनिंग ले और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो तमाम चीज़ें, क्योंकि ग्रुप वगैरह में जो आने का मकसद ये होता है ना कि अगर कुछ भी नहीं पता हो, बिल्कुल बेसिक्स जीरो हो, तो वो लोग भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ग्लास एंड सेरामिक्स की, तो मैं लोगों को एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट तारिक ग्लास कंपनी। अच्छा, फिर ऑटोज में जो ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि आजकल जो दौर है जिसके अंदर ऑटो इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से ज़रा स्लो है, लेकिन आप फ्यूचर के लिए, क्योंकि अभी ज़्यादा मतलब कोई चीज़ अगर मिल रही तो सस्ती मिल रही है, तो और इसलिए वो नीचे है कि इसके अंदर एक्टिविटीज़ रकम है। तो जो हमारा पर्सनल ओपिनियन है उसमें, या हमारी जो अपनी स्टडी है उसके अंदर, मिल्लत ट्रैक्टर, साजगार इंजीनियरिंग और होंडा कार्स एच कार, ये ऑटोमोबाइल असेंबलर्स में और पार्ट्स एंड एसेसरीज में मैं दो ही आइटम रिकमेंड करूंगा, एटलस बैटरी और पेंथर टायर, ये दो अच्छे स्टॉक्स हैं, उसको देखा जा सकता है। फिर इसके बाद शुगर सेक्टर में हमने कभी काम किया नहीं है, तो हमें इसका बिल्कुल आइडिया है ही नहीं शुगर सेक्टर में, क्योंकि शुगर सेक्टर में हमेशा प्रॉब्लम ही रहती थी। कुछ इसके अंदर बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, अलाहाबाद शुगर वगैरह ऐसे हैं, लेकिन अभी हमने उसके बारे में कोई लेवल्स वगैरह स्टडी नहीं की है। और जो मिसिलेनियस सेक्टर है उसके अंदर भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन ये दो सेक्टर अभी हमने ना रिकमेंड ज़्यादा करते हैं ना इसके अंदर काम करते हैं, हमारा अपना आइडिया और हमारी स्टडी कम है। अगले सेक्टर पर आते हैं, वो है सीमेंट सेक्टर, और सीमेंट सेक्टर में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टॉक मैं बता दूंगा तो बहुत उलझ जाएंगे, इसलिए साल 2024 के लिए यूँ तो लकी सीमेंट भी लोग कहते हैं कि अभी भी इसमें बहुत गुंजाइश है, लेकिन ठीक है, अगर आप 800 वाला शेयर ले लेंगे जो 400 का था ऑलरेडी, तो उसमें बड़ा थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है। बेस्ट स्टॉक हैं इस वक्त हैं अटक सीमेंट, जो इस वक्त हमें लग रहा है कि जो फ्यूचर फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग मल्टीपल उसका तो सस्ता मिल रहा है, और फौजी सीमेंट, तो सीमेंट सेक्टर में दो रिकमेंडेशन है, अटक सीमेंट और फौजी सीमेंट। इसके अलावा हम फूड सेक्टर में आते हैं, तो बहुत सारे स्टॉक थे, फूड सेक्टर ऐसा अजीब सा सेक्टर है कि ग्रोथ पूरी रैली को उसने मिस कर दिया है, बड़े स्टॉक्स भी हैं, नामवर स्टॉक्स भी हैं उसके अंदर, पर हमारे जो नज़र में है वो दो स्टॉक्स हैं, फ्राइज लैंड एंग्रो कैंपिना जो है FCEPL एंग्रो ग्रुप का FCEPL, और नंबर टू पे है फौजी फूड, ये दो स्क्रिप्ट जो है वो फूड सेक्टर से इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। जो पावर सेक्टर है उसके अंदर से तीन स्टॉक्स मैं लोगों को कहूँगा कि रिकमेंड करूँगा इन्वेस्टमेंट के लिए, हब पावर कंपनी, एंग्रो कादिरपुर और कोहिनूर एनर्जी, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर में आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी दे सकते हैं डिविडेंड बेस में। फिर फार्मास्यूटिकल में मुझे लगता है पर्सनली दो आइटम जो इस वक्त ज़्यादा, तीन भी रख सकते हैं, चले बेहतर है कि तीन कर लें आप, फिरोज, इसका कोड भी यही है फिरोज, ये पूरा फिरोज सन्स लेबोरेटरीज, और इसके अलावा जो मुझे पर्सनल लगता है कि AGB के अंदर मुझे बहुत पोटेंशियल नज़र भी आता है, और इसकी स्टडीज़ और रिसर्च रिपोर्ट भी हमने जो पढ़ी हैं उस हिसाब से नज़र आता है। और दूसरा एक्टिव ट्रेडिंग के लिए, स्विंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए सर्ल्ड पाकिस्तान एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। फिर जब हम स्टील की बात करते हैं, तो क्योंकि हम शरिया कंप्लायंट जैसे मैंने काम कर रहे हैं, तो तीन ही हमारे पास नाम आते हैं जिसके अंदर INIL इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, फिर ISL और मुगल, ये तीन स्टॉक्स मैं रिकमेंड करूंगा लोगों को, इसके अंदर ही स्टडी करें और अपनी वॉच लिस्ट जितनी छोटी रखेंगे ना, वो जितनी पायदार रखेंगे उतना फ़ायदा होगा। फिर इसके अलावा मुदारबाज में हम काम नहीं करते, टेक्सटाइल्स के तीनों सेक्टर में ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, दो स्टॉक्स मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन अगर तमाम उस टेक्सटाइल का जोड़ें तो यूँ तो बहुत सारी कंपनी होंगी, लेकिन हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है ना वो इंटरलूप है और उसके बाद निशात मिल है, इंटरलूप और फिर निशात मिल। फिर केमिकल सेक्टर में
मैं पर्सनली फील करता हूँ, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल जो है ना इंटरनेशनल मार्जिन से होता है, लेकिन फिर भी अगर टॉप मोस्ट कंपनी अगर देखूंगा मैं खुद अपने लिए भी, तो लकी कोर इंडस्ट्रीज़ जो पहले ICI था उसको इन्वेस्टमेंट के लिए तरजीह दूंगा मैं, तो मैं और नंबर टू पे कोलगेट, या वाइस यूँ उल्टा भी कर सकते हैं आप, कोलगेट पहले कर लें LCI कर लें, दोनों ऐसी टॉप कंपनीज हैं, थोड़ी महंगी हैं लेकिन घोड़े पर अगर पैसा लगा रहे हैं आप तो महंगा होना और सस्ता होना इन चीज़ों मत सोचिएगा, दोनों शानदार कंपनी हैं कोलगेट और LCI। और इसके बाद दो सेक्टर रह जाते हैं हमारे पास, टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी बातें हैं, तो मैं अगर खुद पैसा लगाऊंगा तो तीन ही कंपनीज हैं, या समझ लें कि ट्रेडिंग शायद मैं एक में करूं, दो में पैसा लगा लूं, या दो में ट्रेडिंग करूं एक में पैसा लगाऊं, तो सबसे पहले और एक ही होगा जिसमें मैं थोड़ा इन्वेस्ट कर सकूंगा, वो है सिस्टम्स लिमिटेड। इस वक्त बल्कि वो नीचे भी मिल रही है, और पिछले साल भी हमारी ये टॉप कंपनीज में थी लेकिन अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, अभी तक उतना इसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इसको नज़र में रखना चाहिए। क्यों ही अगर जो ही इकनॉमी बेहतर होगी तो इंशाल्लाह इकनॉमी बेहतर होते ही सबसे पहले फास्ट पेस में अगर कोई मूव करेगा तो सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी में दीगर जो स्क्रिप्ट है वो एवेंसियन और नेटसोल है। इसके बाद अगर मार्केटिंग में आते हैं तो सबसे नंबर वन स्टॉक है अटक पेट्रोलियम, बेस्ट ग्रुप है, बेहतरीन ग्रुप के साथ साथ जो उसकी पे आउट हिस्ट्री वगैरह तमाम अच्छी हैं। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मेन दो स्टॉक्स हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट एंटिटीज़ की वजह से जितनी बातें चल रही हैं, सर्कुलर डेट और गैस सर्कुलर डेट, तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल और सुई नॉर्दर्न, ये दो जो कंपनीज हैं उनके ऊपर नज़र इसलिए रखना चाहिए, एक तो इतने बुरे हालात में कैश फ्लो के फंसे होने के बावजूद ये मुसलसल पे आउट भी करती हैं अपने इन्वेस्टर्स को, और जूँ ही अगर सर्कुलर डेट वगैरह से निकली तो आप समझे वारे नियारी पर सकता है। और जितनी भी मज़ीद मालूम के लिए लोगों को चाहिए कि ये जो मैंने जितनी भी बातें कही हैं ना उसके अंदर जो स्क्रिप्ट कही है वो अपने पास शॉर्ट लिस्ट कर लें, और मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखा करें, जो भी आपको मालूमात मज़ीद चाहिए, नंबर्स वगैरह चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे तमाम नंबर्स होते हैं।